नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धन्याम्ल कांजी निर्माण एवं उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो जैसे कि हम लोग अलग अलग विषयों के साथ रोज नए विषय हमारे यहाँ डिस्कशन के लिए होते, वैसे ही आज हमारा एक ये नया विषय है धान्याम्ल निर्माण। धान्याम्ल के बारे में वैसे देखा जाए तो कांजी शब्द हम लोग हमेशा से यूज करते हैं, बट आज जो हम लोग ये तरीका आज देखने वाले ना, ये एक नया तरीका, नया नहीं, ये तो प्राचीन है। आचार्यों ने काफी सालों पहले इसका वर्णन किया है, बट वैसे देखा जाए तो इसका जो प्रयोग है ना वो कम किया जाता है। केरल में पंचकर्म एक अलग प्रकार से किया जाता है, वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में भी जैसे पिंडस वेद वगैरह का प्रयोग करते हैं ना, तो उसी प्रकार से इसका ही एक रूप ये है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसको डिस्कस करने वाले वो है धान्याम्ल, तो जिसको कांची भी बोला जाता है। धान्याम्ल में दो शब्द आते हैं, धान्य एवं आम्ल। तो इस प्रकार से ये धान्य और इसको हम लोग खट्टा करके इसका प्रयोग करते हैं। कांजी यानी वही जो धान्य से बनती है और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है, इसलिए उसको धान्याम्ल नाम से बोला जाता है। तो धान्याम्ल कैसे बनाया जाता है, इसका प्रयोग कब करेंगे? धान्याम्ल और कांजी इसका इंडिकेशन आचार्य चरक सुश्रुत एवं वाग्भट की अगर बात करेंगे तो अलग अलग रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसको बनाने के तरीके भी काफी थोड़े से अलग अलग भी है, लाइक इसको फर्मेंटेशन किस प्रकार से किया जाए इसको लेकर भी अलग अलग मतांतर है। ये संधान कल्पना का ही एक प्रकार है। संधान कल्पना में हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं ना, सो इस प्रकार से यहाँ पर इसको बोला गया है। सो धान्याम्ल ये सुरा बीज या अवंती बीज, अभिसंधी, ये कुलमाश, कंजल, कांजका, अरनाल, ऐसे भी कुछ नाम इसको, जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी है अलग अलग देशों के हिसाब से यानी प्रांत के हिसाब से भी इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इस हिसाब से अगर कांजी का या कांजी का निर्माण कैसे किया जाए धान्याम्ल या कांजी का, तो इसमें खास करके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें खास करके धान्य वर्ग का प्रयोग किया है इसको, इसीलिए इसको कुलमाश इस नाम से भी जाना जाता है, यानी हाफ कुकड़ माश इसमें है। उड़द दाल इसमें मिलाई गई है, मुखी दाल है, राइस है, चावल धान्य का प्रयोग किया गया है। तो ये एक प्रकार से इस नाम से इसको धान्याम्ल नाम ये दिया गया है। संधान कल्पना की अगर हम लोग बात करेंगे तो संधान कल्पना प्रचलित जो संधान कल्पनाएं हैं उसमें आसव, आरिष्ट, सुरासव, मधुक, शुक्त वर्ग, ये सब कुछ हम लोग प्रयोग करते ही है। आसव आरिष्ट का काफी अच्छा रोल रहता है हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं तो, बट लाइक कांजी का, अरनाल और धान्याम्ल का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सत्र को लिया है कि यहाँ पे इसकी रेसिपीज अलग अलग प्रकार से कैसी है, लाइक सहस्त्रसार योग में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत धान्याम्ल इज प्रिपेयर्ड बाय धान्य और सेरल सच एज लाइक कुछ इसमें राइस है, सातु है, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। आचार्य वाग्भट मेंशन दैट धान्याम्ल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग द वाटर इन विच राइस एंड सच अदर ग्रेन्स कैन बी मिक्स्ड। तो वाग्भट ने इस प्रकार से उसको बताया। आचार्य भाव मिश्र बताते हैं कि फर्मेंटेशन ऑफ द शाली चूर्ण यानी क्रश्ड टाइप ऑफ जो भी राइस है, चावल है, षष्टिक चालित है या कोद्रव वगैरह है या लाइक कोदो है, माइलेट्स है, अलग अलग प्रकार के धान्य के प्रकार आते हैं ना, इसको फर्मेंट करने से ये बन जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सहस्त्रसार योगा इसको बनाया जाता है, जो अलग अलग ऐसे अलग अलग पद्धतियां उन्होंने बताई गई है। इसमें कुछ लोग बताते हैं कि चावल को पकाकर फिर इसको फर्मेंट किया जाए। तो इस प्रकार से इसके विधियां, कितने सारी विधियां, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है और इस कंटेंट्स के साथ इसके गुणधर्म क्या है। इसमें सबसे पहला तो तंडुल आता है यानी चावल। आप सभी जानते हैं कि चावल मधुर गुण वाले होते हैं और खास करके 60 डेज में जो उगने वाले होते हैं ना, षष्ठी चाली चावल, आयुर्वेद में षष्ठी चाली एवं बासमती जो चावल होते हैं उसको अच्छा माना गया है। और इसकी प्रॉपर्टीज देखा जाए तो ये मधुर गुण वाले होते हैं। चावल ये वातदोष का शमन करने वाले होते हैं। खास करके मैं बताना चाहूंगी धान्याम्ल इंडिकेशन कहाँ पे है। धान्याम्ल धारा इज इंडिकेटेड इन द वात विकारा, आम वात, और जहां पर भी अवरोध जन्य स्थिति है, कफवातजन्य स्थितियां है, कफ का प्रकोप अधिक है और वातजन्य स्थितियां है, ये एक स्वेदन का प्रकार है। तो स्वेदन के अयोग्य योग्य जो व्यक्ति स्वेदनार्ह और अस्वेदनार्ह इस प्रकार से जो बताया गया ना, यहाँ पर इसको भी हम लोग लागू करेंगे। जैसे कि ये नवप्रसूता में या कुछ गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में हम लोग इसको नहीं देंगे, बट लाइक गायनेकोलॉजी
न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस या जो भी डिसीजेस है जो जिसमें वाता और कफदोष का प्रकोप है इनमें, और आम जहां पर बना है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमने उस दिन मायस्थीनिया ग्रेविस मांस शोष देखी थी, तो कुष्ठता मांस शोष दुर्बलता ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्त्री रोगों में भी गतिशूल जैसे कंडीशंस है या दुर्बलता है या इनफर्टिलिटी में बहुत ही अग्नि एकदम से बहुत ही कृश व्यक्ति है, कृश स्त्री है, तो इसमें भी हम लोग ये धान्याम्ल धारा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तक्र धारा, दुग्ध धारा, हम लोग तेल की धारा देते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पर ये धान्याम्ल धारा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कंटेंट्स जो है हम लोग डिस्कस करें, जिसमें तंडूल है जो मधुर गुण का है, फिर पृथुका यानी पोहे, आम भाषा में बोली भाषा में हम लोग इसको पोहे कहते हैं, जो राइस फ्लेक्स के नाम से भी, पोहे का नाम राइस फ्लेक्स भी लिया जाता है जो एक प्रकार से चावल से ही बनते हैं। इसमें फिर से बाकी जो भी लाइक लाजा, वो भी एक राइस फ्लेक्स का ही, चावल से ही बनते हैं लाजा, तो इट इज लाइक प्यूरिफाइड पफ इसको बोला जाता है, तो ये भी हम लोग पफड राइस या पफड सीड ऐसे बोला जाता है इसको, ये भी इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कोद्रव, ये भी धान्य का कनिष्ठ धान्य का एक प्रकार है, इसमें फिर नागर शुंठी है, नींबू खट्टापन लाने के लिए नींबू का प्रयोग किया जाता है, कुछ मूला यानी मूलक, मूलक का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, तो इस प्रकार से इसमें, और फिर पानी की मात्रा इसमें होती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले तो ये सभी धान्य आपको लेना है, अभी एक एक विधि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, शास्त्रोक्त विधि या इसमें जो भी बोली गई उसको ही मैं बताऊंगी यहाँ पर। तो पहली विधि मैं बता देती हूँ, धान्य जैसे अभी मैंने बताया, इसमें आप अनाज जो भी लेना है आपको, चावल आप ज्वार भी ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मूंग है, मक्का है, जवस है, इसकी जो क्वांटिटी होगी 150 ग्राम की मात्रा में इसको लेना है। फिर षष्ठी चावल, ये सारा मिलाकर 150 ग्राम षष्ठी चावल जो है ये आपको लेना है 300 ग्राम की मात्रा में। फिर हम इसमें सरसव यानी मोहरी मस्टर्ड 100 ग्राम लेंगे। फिर मूला जो है वो 500 ग्राम की मात्रा में लेना है। नींबू लेंगे हम लोग 500 ग्राम, इसको काट करके लेना है नींबू को। वस्त्रखंड यानी कपड़ा लगेगा हमें छानने के लिए, फिर जिसमें हमें रखना है इसको फर्मेंटेशन के लिए, तो माटी का अगर मटका होता है तो बेहतर है, या फिर बर्तन जो भी लगता है इसको बनाने के लिए। और रासना भी चूर्ण लेंगे 5 ग्राम, और फिर तेल हमें थोड़ा लगेगा अभ्यंग के लिए, तिल तेल लगेगा, और फिर गैस और जो भी सामग्री हमें लगती है उस प्रकार से। अभी सभी जो भी धान्य है, इस सभी धान्य को इकट्ठा करना है, नींबू सरसव मूलक इन सभी को इकट्ठा करके हमें इसकी पोटली बना देनी है, और इसमें 50 लीटर पानी डालना है, जल डालना है, और इसमें ये जो पोटली हमने बनाई ना इसको हम लोग इस पानी में थोड़ा उबाल आने दीजिएगा, इसमें ये पोटली को हमें रख देना है, और फिर इस प्रकार से ये पानी जब आधा बच जाता है यानी आधा इसमें रह जाता है यानी इतना ज्यादा उसमें उबाल देंगे ना, पूरा 50 लीटर का पानी जब तक पूरा उबाल जाता है, 25 लीटर तक बच जाता है, उतने तक हम लोग इसको पोटली इसमें रख देनी है, और फिर बाद में इस पोटली को हम लोग निकाल देंगे, और ये सारा जो पानी है इस पानी को जो मटका हमने लिया था, माटी का जो मिट्टी का जो घड़ा लिया था उसमें हम लोग डाल देंगे, और इसमें ये पोटली जो होती है ना उसमें इस प्रकार से रख देंगे कि उसका मुंह थोड़ा बाहर आ जाए और पोटली अंदर डुबो कर रखे, और इस प्रकार से हम लोग इसको रखेंगे 8 से 10 दिन तक हमें इसको रख देना है, और इसके मिट्टी का जो घड़ा है उसका जो मुंह है उसको हम लोग कपड़े से बांध देंगे, इस प्रकार से इसको हमें बनाना है, और फिर 8-10 दिन के बाद इस पोटली को हम लोग निकाल देंगे, और पोटली निकालने के बाद इसका प्रयोग हम इस पोटली से ही हमें पिंड स्वेदन के जैसे पिंड स्वेदन कराना है। तो ये यहाँ पर जो बताई गई इस विधि से धान्याम्ल पिंड स्वेद ये बताया है। अभी हम बात करते हैं आगे, जैसे मैंने ये विषय लिया धान्याम्ल धारा, तो धान्याम्ल की धारा बनाकर इसको जैसे तेल की धारा हम लोग देते हैं ना इसी प्रकार से इसको दिया जाता है, तो जिसको हम लोग धान्याम्ल धारा के नाम से बोल सकते हैं, इसको जाना जाता है। तो ये अभी तो मैंने जो बताया आपको धान्याम्ल पिंड से, तो इस प्रकार से भी आप इसको निर्माण करके इसका प्रयोग कर सकते हैं वात विकारों में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मांसपेशी क्षय में, गतिशूल में, या स्पॉन्डिलाइटिस जैसे विकारों में इसका काफी अच्छे से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बस जैसे कि ये सारे जो भी द्रव्य है ये वात शमन करने वाले हैं, शूल प्रशमन है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कफवात जनित संप्राप्ति और आम का बंध जो भी है, जहां पर बहुत ही ज्यादा आम बना है तो स्वेदन कब हम लोग करते हैं, स्वेदन से क्या हमें अपेक्षित होता है कि स्वेदन से हम लोग कफवात जनित संप्राप्ति का भंग करना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन
इसका हमें करना है इस प्रकार से, जैसे अवगाह स्वेद वगैरह देते हैं ना, इसी रूप से इसको हम लोग यहाँ पर करा देते हैं। नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे धन्यम्ल धारा की बात आती है, तो धन्यम्ल अभी धारा कैसे बनानी है, धारा का बेनिफिट जो है पेन कम करेगा, स्टिफनेस, ज्वाइंट स्टिफनेस, एनी टाइप ऑफ पेन, कटिशूल, एक्सीडेंटल कुछ इंजुरी है, तो ये एक इफेक्टिव रेमेडी है मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स के लिए, या मसल टिश्यू को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये थकान को कम करेगा, जो भी जो लोगों में बहुत ज्यादा थकान आती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वात दोष प्रकृति के वाले जो भी लोग होते हैं ना, इनके लिए ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी, या जिसमें अग्निमान देह आम बहुत ज्यादा बन चुका है, इसके लिए हमें स्वेदन प्रक्रिया हम जैसे कराते हैं ना, तो ये स्वेदन का ही एक प्रकार है जो हमारी जॉइंट्स मसल्स की मूवमेंट्स को इम्प्रूव करा देगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करा देगा, स्ट्रेस कम करेगा, और जो माइंड को रिलैक्स करेगा, नींद अनिद्रा जैसे व्याधियों में भी हम लोग दे सकते हैं, जो लोग काफी बहुत ही ज्यादा मात्रा से स्ट्रेस रहते हैं उनके लिए भी हम लोग ये करा सकते हैं। सो एक प्रकार से ये स्त्रोतो अवरोध जनित कंडीशन आम और माइंड की नर्वस सिस्टम को बिल्ड कराने के लिए यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो इट कैन बी इंडिकेटेड अकॉर्डिंगली धन्यम्ल कहाँ पर प्रयोग करना है हमें, सो इट इज हाईली बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ आमा, वात विकार, कफ विकार, इस हम सभी में हम लोग दे सकते हैं। आम के लक्षण आप सभी जानते हैं, साम वात, साम पित्त और साम कफ। आम को हमने काफी बार पढ़ा है आयुर्वेद में, आम को अपना है। जैसे शरीर में आम बन जाता है तो बहुत ही ज्यादा गुरुता, निमांदे, अरुचि, और कभी भी लाइक जी मचलाना या पेट साफ ना होना, मल भी साम रहता है, और ये मतलब एक प्रकार से अन्न पचाने में असमर्थता या शरीर गुरु बन जाता है। सो इट इज हाईली इफेक्टिंग फॉर द आम दोषा, आम दोष या संतरपद जनित व्याधियों में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। वात कफ विकार में खास करके इसका प्रयोग आप करिएगा, अग्निमान्दे अजीर्ण में कर सकते हैं, सामवात साम पित्त में कर सकते हैं, जैसे अम्ल पित्त में साम पित्त बन जाता है, डायरिया प्रवाहिका जैसे व्याधियों में भी कर बन जाता है। आमवात एक बड़ा ही क्लिष्ट व्याधि है जिसके लिए एलोपैथी में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद ही इसके लिए बहुत ही एक तो जीवन संजीवी के रूप में काम करता है। एनी टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन है उसमें हम लोग करा सकते हैं। कटिशूल काफी परेशानी वाला डिसीज होता है, कटिशूल या लंबर पेन बहुत ही सिंपल तो लगता है बट लाइक बहुत ही पेनफुल रहता है। पैरालिसिस या हेमिप्लेजिया की कुछ कंडीशन, इसमें भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द इंडिकेशंस फॉर धन्यम्ल धारा। तो संधान कल्पना के बारे में मैंने बताया, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो इंग्रेडिएंट्स फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। इसमें हम लोगों को तंडू लेना है, पुथुका लेना है, लाजा लेना है, कुलित ले सकते हैं आप इसमें, इसमें आपको नींबू लेना है, शुंठी डाल सकते हैं, मूलक डाल सकते हैं, और जल, वाटर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा होगी। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग मेथड्स इसकी बताई गई है, तो फर्स्ट मेथड जो होगी इसमें हम सभी को क्या करना है कि सभी जो भी मेडिसिनल ये है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसको हमें इकट्ठा करना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया, और इसको इकट्ठा करने के बाद इसका एक थोड़ा सा भ्रष्ट टाइप का चूर्ण बना लीजिएगा, और भ्रष्ट चूर्ण इसका बना दिया आपने, और इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उबाल देंगे। उसको उबाल कर आप क्या करिएगा कि 1 से 2 घंटे के लिए उसको उबाल दीजिएगा, और बर्तन से निकाल दीजिएगा, और एक बड़े से बर्तन में इसको 7 दिन के लिए वैसे फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिएगा, तो ये अभी आपका रेडी हो जाएगा। ये एक मेथड है। नेक्स्ट एक मेथड है फर्मेंटेशन करने के लिए, आप इसको गर्म करके कंटिन्यूली मध्यम आंच पे आपको 7 दिन के लिए इसको मॉडरेट हीट पे रखना है, और मतलब 1 मिनट के लिए भी आपको गैस बंद नहीं करना है, फायर पे ही रखना है, और केयरफुली उसको ओवरनाइट तक जांच करना है, और 8वें दिन में इसको आपको एक विशिष्ट गंध आएगी, फर्मेंटेशन की गंध आती है, तो ये आपका रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो मेथड बताई है उसमें कंटिन्यू हीट करना है 7 दिन के लिए, दूसरी मेथड में 1 से 2 घंटे के लिए हीट करना है, और बाद में आपको उसको क्लोज करके रख देना है 7 दिन के लिए, मतलब अपने आप जैसे ये फर्मेंटेशन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना घर में भी हम लोग कुछ छाछ दही रख देते हैं तो अपने आप वो फर्मेंटेशन हो जाता है। अभी तीसरी मेथड में बता देती हूँ, इसमें ये बताया गया है कि सेकेंड जो मेथड है इसमें लीड सील करनी है हमें, और वैसे ही इसको 7 दिन के लिए रखना है। नेक्स्ट मेथड एक और बताई गई है, इसमें मॉडरेट हीट हमको देनी है, और वेसल को क्लोज करके रात भर के लिए रख देना है, और फिर 1 दिन उसको फिर से उबाल देना है, और ऐसे करके आपको ये 7 दिन के लिए
अलग से रख देना है और आठवें दिन में इसको निकाल देना है। तो इस प्रकार से आप धन्यम्ल धारा अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, जो भी विधि है इसमें बताई गई हो, बट उद्देश्य ही है कि इसको फर्मेंट किया जाए। तो फर्मेंट होने के लिए उबाल कर हम लोग 7 दिन के लिए रख देते हैं तो भी दिक्कत नहीं आती, वो फर्मेंटेशन हो जाता है। अभी आपका ये धान्याम्ल रेडी है, अभी इसको आप लोग छान कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो धान्याम्ल अलग अलग पद्धति है, इसके बारे में थोड़े से कॉन्ट्रोवर्सीज भी मुझे मिले, लाइक कुछ यहाँ पर निर्देश ऐसा मिला कि आपने एक बार धान्याम्ल बना दिया तो जैसे आसावरिष हम लोग कई साल तक यूज करते क्योंकि ये फर्मेंटेड है तो बाद में वो खराब नहीं होता है, तो इसी प्रकार से कुछ का कहना है कि इसको 6 महीने रख देते हैं। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि धान्याम्ल अगर हमने बना दिया तो जैसे आपने आज बना दिया तो उसको 3 दिन यूज करिएगा, तो रोज धान्याम्ल बनाकर रखिएगा और हर तीसरे दिन आपको नया देना है, मतलब एक बार यूज किया है तो आप उसको 3 दिन तक लगातार यूज कर सकते हैं। धान्याम्ल धारा कितनी दिन तक यूज करनी है, सो इट कैन बी यूज फॉर 7 to 10 days। इसका अभी प्रोसीजर देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। धान्याम्ल धारा देने के पहले हल्का सा अभी इसमें यह है कि जैसे कि आम या स्त्रोतरोग और इसको हमने खट्टा बना दिया है तो पित्त ना बढ़े या चक्कर वगैरह आती है कभी कभार पेशेंट्स में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अमलकी का पेस्ट बनाइएगा। अमलकी में थोड़ा सा शहद डालकर या गर्म पानी गुनगुना पानी डालकर इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाइएगा और इस पेस्ट को आपके फोरहेड पर अप्लाई करिएगा थोड़ा सा, जस्ट एक ये, और इस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे। हल्का सा इसको आपको पेशेंट को हल्का सा मसाज करना है, यानी अभ्यंग करना है तिल तेल से। इसके बाद पेशेंट आप जैसे आपके पास जो भी ये होगा ना बेड होगा, लकड़ी का जो भी बेड आता है हम लोग इसके लिए जो शिरोधारा वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, इसी टाइप का ये बेड होगा और इस बेड पर पेशेंट का सारा एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से उसको पूरा एग्जामिनेशन, उसके वाइटल्स देखकर उसको लिटाइएगा, पेशेंट कंडीशन को देखकर पूरा, मतलब जो भी प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं उस प्रकार से प्रिकॉशंस तो सारे लेने ही है, बट इसके साथ पेशेंट का पित्त ना बढ़े, चक्कर ना आए, इसके लिए हम लोग ये अमलकी का पेस्ट उसके माथे पर थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। इसके बाद आपको ये भी एक इंडिकेशन है कि जैसे चेहरे या ऊर्ध्व जत्रु का जिसमें हमें इसका उपयोग नहीं करना है तो अधोशरीर में कंधे से नीचे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बाकी केस में। तो इसके लिए आपको 2 से 3 सहायक लगेंगे, यानी एक साथ में आपने उसको बिठा कर करना है पहले, जैसे हम लोग इसके स्कंद के ऊपर खंधों के ऊपर से डाल सकते हैं, फिर उसको लिटा कर हम लोग उसके एब्डोमिन पर वगैरह। अभी एक विधि ऐसी है कि डायरेक्ट करना है, कुछ यहाँ पर इंडिकेशन ऐसा भी मिला मुझे कि आप उस पूरे शरीर को एक पतले से कॉटन के कपड़े से पूरे हल्का सा उसको लपेट दीजिएगा और ऊपर से धान्याम्ल धारा का प्रयोग करिएगा। आपके जेनेटल ऑर्गन्स के ऊपर इसको नहीं डालना है, ये थोड़ा सा गुनगुना वाला गर्म होना चाहिए ताकि जो उष्ण गुण का काम हमें अपेक्षित है ना उतना उष्ण, यानी पेशेंट जितना रूप में जितना सह सकता है उतना ये हम लोग गर्म इसको यूज करेंगे, ज्यादा भी नहीं, जितना पेशेंट को सहन होता है इतना ही इसको गुनगुना ही हमें यूज कर देना है। उसके बाद आपने जैसे अभी इसका पूरा जो टोटल पीरियड कितने समय तक हम इसकी धारा लगाएंगे, तो इसकी टोटल टाइमिंग होगा 30 मिनट्स से लेकर 45 मिनट्स तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा हल्का सा ये करिएगा, उसके शरीर पे थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा दीजिएगा और 10-15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से आप पेशेंट को नहाने को बोल सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के कॉन्ट्रोवर्सीज मुझे मिले। एक विधि में बताया गया है कि हल्के से कॉटन का कपड़ा बांधकर ही उसको ये धारा ये करनी है और दूसरे विधि में तो डायरेक्ट धारा शरीर के ऊपर ही हम लोग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो उसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको स्वेदनार्ह अस्वेदनार्ह ये दोनों जो सामान्य तौर पर जो बताए गए ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अधिक रुक्षता या जो अकाल प्रसूता है प्रसूति के तुरंत बाद, जैसे गायनेकोलॉजिकल बात हम लोग करेंगे तो नव प्रसूता प्रसूति के बाद 6 महीने तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग पंचकर्म के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस यूज करते हैं ना, अति वृद्ध अति बालक गर्भिणी प्रसूति स्त्री, तो ये सभी हम लोगों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन जरूर रहेंगे। तो इस प्रकार से ये धान्याम्ल धारा की विधि हमें करनी है जिसमें हम लोगों को धान्याम्ल जो है 3 दिन तक एक कंटिन्यू हम लोग यूज कर सकते हैं और बाद में इसको हमें ये कर देना है। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर करूंगी ताकि मुझे लगता है आपको अच्छे से ये समझ में भी आएगा कि इसको कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। एक जस्ट में आई एम शेयरिंग द वीडियो, सो आप लोगों को क्लियर आइडिया आ जाएगा किस प्रकार से इसको किया जा सकता है।
इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है 3 लीटर की होती है। कंटिन्यूली 45 मिनट्स तक आपको करना है। ताकि इसका अच्छा इफेक्ट हमें मिल जाता है, अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। So I'm just sharing. Is it visible? Sadharana ette ഈ ചികിത്സയിൽ പോലുള്ള ക്രിയാക്രമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങളെ ശോധിപ്പിക്കാതെ ക്രമമാണ് തന്നെ ഞവരയരി, പിന്നെ അവില്, മലര്, മുതിര, അങ്ങനെ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ വെന്ത് വീർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മള് രോഗിക്ക് മൂർദ്ധാവില് തള ധാര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററിൽ ധാര ചെയ്ത് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. सो इस प्रकार से धान्यम ये हम लोग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसका धारा परिषेद के रूप में हम लोग स्टीमिंग करेंगे इसको और इसको पिंड स्वेद के रूप में भी कर सकते हैं। ये जीवन या जीवनीय कार्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक्चुअली ये इसका शेल्फ लाइफ 4 to 6 months बताया गया है बट इट इज गुड अगर आप 3 दिन के बाद अगर बदल देते ना तो ये बेस्ट रहेगा, मतलब इसके प्रॉपर्टीज अच्छे काम करेंगे। जैसे स्वेदन कराते ना उसी टाइप से इसको हमें करना है। एक स्पेशल टाइप का जो बेड था उसपे हम लोगों ने इसको बिठाकर इसका प्रयोग किया। इसके पहले जैसे हम लोग कोई भी प्रोसीजर्स कराते हैं ना तो उसके पहले स्वस्ति वचन हमें करनी है और मसाज करना है। मसाज के लिए आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, तिल तेल यूज करें, आप विशिष्ट वाइज भी कर सकते हैं, लाइक शीरबला तेल है, महानारायण है, धन्वंतर तेल है और एप्लीकेंट तल धारणा जो मैंने आपको अमलकी का बताया ना तो इसको कहेंगे तल धारणा। अम्ल की चूर्ण को जो हम लोग लगाते हैं ना अम्ल की चूर्ण को आपको लेना है और इसको आप पानी के साथ या बटर मिल्क के साथ भी सेमी सॉलिड पेस्ट बनाकर इसको लगा सकते हैं। तल धारणा अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ द पेस्ट ऑन द क्राउन ऑफ द हेड ताकि पेशेंट को चक्कर ना आए या पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन या कुछ पित्त ना बढ़े उसका, बिकॉज पित्त बढ़ जाएगा
क्योंकि हम लोग स्वेदन करा रहे हैं ना, तो पेशेंट को डार्कनेस या फेंटिंग, गिडीनेस, चक्कर आना, ऐसे लक्षण से बचने के लिए हम लोग ये करेंगे। तो इस प्रकार से धान्य अम्लधारा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जो हम लोग ऐसे कई सारे वैद्य है जहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपने जो भी सारा यूज किया था ना, उसको आप कलेक्ट करेंगे। अभी वहां पे जैसे बेड दिखाया था, इस बेड को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि एक नीचे बकेट में आपको ये सारा कंटेंट हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और हर तीसरे दिन इसको करेंगे तो बेहतर रहेगा। जब तक पेशेंट में जो स्वेदन के लक्षण है ना, तब तक मिल जाते हैं, यानी उसको घाम आ जाता है, तब तक हम लोग इसको कर सकते हैं। पेशेंट में जब तक जो स्वेदन सम्यक स्वेदन के जो भी लक्षण है, वो लक्षण जब तक मिलते हैं ना, वो तब तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पोजीशन जैसे अभी आपने इसमें देखा ना कि बैठकर करना है, अगर स्कंध पे अगर हमें डालना है तो बैठकर करना होगा, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। इसके पोजीशन जो भी बताए गए ना, उस टाइप से फेसिंग द रूफ यानी सुपाइन पोजिशन में, फिर टूवर्ड्स लेफ्ट, फिर लाइक प्रोन पोजिशन में करेंगे, जैसे जैसे हमारे मतलब पूरे शरीर के ऊपर हमें इसकी धारा कर सकते हैं ना, इस टाइप में हम लोगों को इसको करना है, अप्लाई करना है। इट इज द बेस्ट वन। जो भी साइंस प्रॉपर फोमेंटेशन की मिल जाते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो समझिएगा कि आपका पेशेंट का स्वेदन अच्छे से हो गया है, और फिर हम लोग रुक जाएंगे। एक्चुअली ये टाइम जो मिल जाता है, ये 30 to 45 मिनट्स तक आप इसको कर सकते हैं कंटिन्यूली। कब तक आप लोग इसको डालेंगे ये जो है? ओके, आर यू गेटिंग? अभी हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में। कभी किसी ने किया है इस प्रकार का? यस, कनवल जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए कैसी है? मैं ठीक हूँ मैम, मैं ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आई आप, आजकल आती नहीं। मैम अभी क्लिनिक से आई ना, तो एक्चुअली टाइम क्लिनिक का बंद करने का होता है ये 6:30 का। हाँ, वो तो सब थोड़ा सा हो रहा है, टाइमिंग का प्रॉब्लम तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने यूज किया है इसको? जैसे पेशेंट को ठंडा लगे और उसकी जकड़ाहट कम हो जाए, गुरुता कम हो जाए, उसको हल्का लगे और घाम आ जाए, स्वेटिंग, और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि पेशेंट में ये स्वेदन अच्छे से हो गया है। मैम तंडुल, कुलत, कंजू बीज, कोद्रव, नागर, नींबू का दीपक, ये सारे ना बहुत ही सुंदर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है ये सारे। मुझे लगता है ये बहुत ही बेस्ट वन है ट्रीटमेंट। बहुत सिंपल है बट बहुत अच्छी काम करेगी ये। जो वीक पेशेंट है, दुर्बल पेशेंट है, वात अस्थि वस्त्र की दृष्टि है, इसमें हम लोग केवल बस्ती देते हैं ना, बस्ती शिरोधारा वगैरह, तो इससे मुझे लगता है ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो हम लोग कर सकते हैं। मैडम इसके पहले भी आम पाचन करना चाहिए पेशेंट का? हाँ, वो तो रूटीन में हम लोग करेंगे मैम, बट कई कैसे होता है ना, आमवात में तो ना उनकी अग्निमान इतना होता है कि आम बार बार बनता है ना, तो ऐसे केसेस में हमें ये अच्छा रहेगा। आम पाचन करने की जरूरत नहीं? नहीं करेंगे ना, 3 दिन का आम पाचन करेंगे और फिर बाद में फिर भी करेंगे हम लोग इसको। और जो स्पाइन के प्रॉब्लम रहते हैं, मतलब गैप रहता है या कुछ, उसमें भी ये कर सकते हैं? यस मैम, दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें भी काम करेगा, क्योंकि खास वही है ना इसका। तो वेट लॉस में भी काम आता है? वेट, हाँ, मेदो रोगों में भी काम करेगा। यस एग्जैक्टली, मेदो रोगों में भी काम आएगा। और काढ़ा आपने कितना, 3 लीटर बोला? हाँ, 3 लीटर क्वांटिटी लगेगी टोटल। एक्चुअली मैम क्वांटिटी आई थिंक डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और एक वीडियो में दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा इजी टाइप का वीडियो है, और आपको मैंने वीडियो नहीं दिखा, वीडियो नहीं दिखा, ग्रुप में डाल, नहीं नहीं सभी को दिखाना शायद, मुझे नहीं दिखा, क्या मालूम।
लिखा क्या सबको? सबको दिखा क्या मैम? गीता जी कंटल जी दिखा? दिखा मैम। ओके ओके तृप्ति, और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, इसको शेयर करती हूँ, ये अच्छा लगा मुझे, वीडियो शॉर्ट है और काफी अच्छे से समझ में भी आता है किसको। हाँ अभी देखिए, आई होप इट इज विजिबल। हाँ मैम अब दिख रहा है। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज हम लोगों ने एक नया विषय यहाँ पर लेने का ये किया है कि हम लोग किस किस कंडीशंस में, अभी थोड़ा है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना डाइनिंग में हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस मैम, अभी ये बताइए मुझे हम लोग डाइनिंग में कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप सभी बताइए मुझे। वो बैकेक में यूज कर सकते। हाँ एग्जैक्टली exactly. और बैकेक में एनी टाइप ऑफ मसल्स पार्ट, एनी टाइप ऑफ, महिलाओं के जो भी कटिपृष्ठ शूल है, जोड़ों का दर्द है, मेनोपॉजल टाइप में, मेनोपॉज में बहुत ही ज्यादा ये होते हैं ना, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और जिसके कारण कटी शूल, संधिवात, थकान वगैरह, इसमें भी करा सकते हैं ना हम लोग। इसमें तो बहुत ही बेस्ट काम करेगा मेनोपॉजल में, और खास करके अगर वात कफजनित महिला है जिसमें, जैसे हमने देखा कि मेनोपॉज में ऑलरेडी थोड़ा वेट गेन चलते रहता है, तो इसमें भी हम लोग करा सकते हैं। और ये एक रिजुनेटिंग भी टेक्निक है, आप जैसे स्पा वगैरह कराते हैं ना, इसी टाइप का ये टेक्निक है, और ये आयुर्वेद पूरी ट्रीटमेंट है। तो आई थिंक आम तो एज के हिसाब से या मेनोपॉज में, या अगर कफजनित प्रकृति है तो आम तो बनता ही है, तो आम के लिए तो क्या करे। आम एक ऐसा घटक है ना जो दिखता भी नहीं, बट जिसके लक्षण हमारे शरीर में हमें एक प्रकार से अग्निमान दी या अलग अलग रूप से हमें दिखाई देते हैं, तो वहां पर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एनी टाइप, पक्षाघात में बहुत बार बार हमें पक्षाघात में विरेचन और पंचकर्म स्नेहन स्वेदन काफी करना पड़ता है। अलग अलग क्रिया हम लोग इसमें पक्षाघात में कराते ना, नस्य देते हैं, कभी शिरोधारा देते हैं, कभी बस्ती देते हैं, तो इसमें ये भी एक ऐड कर लीजिएगा और इसके इफेक्ट देखिएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए, आमवात जैसे कई सारे हैं इसके जो इफेक्ट है, और रिजुनेशन के लिए अच्छे हैं, दुर्बलता मसल स्टिफनेस के लिए भी अच्छा है, ये अच्छा काम करेगा उसमें भी। यस मैम बताइए सभी लोग, आप बताइए हम लोग ऑर्गेनिक में कहा यूज करेंगे इसका, पेन में तो ठीक है, पेन रिलेटेड मेनोपॉज में करेंगे, कहीं इनफर्टिलिटी में कर सकते हैं क्या?
वही पीसीओडी में पेट पर कर सकते हैं क्या? हाँ पीसीओडी में कर सकते हैं, एग्जैक्टली पीसीओडी में करिएगा। पीसीओडी में अगर जैसे वेट ज्यादा है, मेदा धातु है, और जैसे आप बताते हैं ना कि आम की संप्राप्ति भंग नहीं हो रही ना, तो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं आम की संप्राप्ति भंग कराने के लिए। पीसीओडी में भी करा सकते हैं धन्यवाद धारा, क्योंकि कितने दिन तक देना? 7 से 12 दिन तक कंटिन्यू, 7 से 1 साइकिल में 7 से 12 दिन दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट 3 महीने के बाद करिएगा। मतलब हम लोग जैसे पंचकर्म के इसमें भी ड्यूरेशन रखते हैं ना, इसी टाइप से इसमें रखेंगे। नॉर्मल मतलब रिजुवेनेशन के लिए नॉर्मल रिजुवेनेशन के लिए 7 दिन का करिएगा। पेशेंट में जैसे मेदो रोग और ओबेसिटी है ना, वेट लॉस के लिए अलग अलग कुछ कुछ करते हैं, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं ना, ये सिंपल है। और ऐसा है कि एक एक दिन काढ़ा ज्यादा ज्यादा गर्म करने का, क्या क्या ज्यादा मतलब आज थोड़ा गर्म, फिर कल थोड़ा और गर्म, ऐसा ऐसा करते क्या? मतलब नहीं, नॉर्मल रखना पड़ेगा ना। हाँ जितना सहन हो सकता है ना उतना ही करेंगे, इसमें ऐसे बढ़ाएंगे नहीं हम लोग टेम्परेचर को, फिर दूसरे दिन आता ही नहीं है। उसको कंफर्टेबल करके ही पूरा अच्छे से क्लियरली सब कुछ प्रोसीजर बताकर ही करना है। आंध्र प्रदेश केरल से कोई है क्या हमारे ग्रुप में? मैम लेकर बस्ती में यूज कर सकते हैं मैम इसमें क्या क्या? यस मैम लेखन बस्ती साथ में दे सकते हैं सब बोली पर, लेखन बस्ती साथ में। एक्चुअली मैम अभी ये चल रहा है तो बस्ती साथ में देना है, बट इसके बाद देंगे ना एक लेखन बस्ती में यूज कर सकते हैं मैम ऐसे लेखन। हाँ लेखन बस्ती के साथ में दे सकते हैं। हाँ लेखन बस्ती में हम लोग यूज करते हैं मैम प्रक्षेपक अवापा अवापा जैसे डाल के यूज। अच्छा 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 कैसे करते आप बताइए मैम, कैसे करती बताइए विनायक जी। हम लोग लेखन बस्ती में अवापा के लिए हमेशा लाइक गोमूत्र डाल देते हैं ना, गोमूत्र ऐसे ऐसे ही दाने अम्ला डाल देते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो आपका वीडियो ऑन करिए मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो तो विनय सर जी। मैम आज नहीं मैम। अच्छा ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, ओके बताइए। विनय से मैम कर्नाटका से है ना? कर्नाटका से मैम। यस मैम यस मैम। मैम अवापा जैसे यूज कर सकते हैं, वो वात कफारा भी है और पीसीओडी में भी बहुत अच्छा काम करेगा। और हम लोग वात कफा व्याधि में ज्यादातर वात व्याधि में बहुत यूज करते हैं मैम दाने अम्ला द्वारा परिषेक जैसे अभी वीडियो देखा है ना मैम, ऐसे ही दशमूल परिषेक करते है ना लाइक आवरणा कभी कभी भी आवरणा दिखाया है उस समय पहले दाने अम्ला का इस्तेमाल करते हैं आवरण के लिए, और उपनहा का मिक्सचर बनाने के समय भी दाने अम्ला डाल देते हैं हम लोग, और इसमें भी और क्या बस्ती में भी दाने अम्ला यूज कर सकते हैं परिषेक का बस्ती में भी, और लेप करने के समय में भी दाने अम्ला का इस्तेमाल करते हैं मैम। बिल्कुल लेप के इसमें भी कर सकते हैं मैम, इसके 2-3 तरीके हैं। इसको हम लोग लेप के रूप में भी लगा सकते हैं, पिंडस वेदने के रूप में भी लगा सकते हैं जो बॉडी के लिए, और एक मैम इसमें ना रसवह और अन्नव स्त्रोत की रैडियो में भी इसका अच्छा रोल है। रिवाइटलाइजेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कराने के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, सभी के लिए ये अच्छा काम करेगा। पाचन दीपन रोचन, क्योंकि आम पाचन, देखिए आम बना इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अन्नव स्त्रोत भी दुष्ट हुआ है ना। रुक्षण के लिए पहले रुक्षण करते हैं ना मैम पंचकर्म के पहले, उस समय ये हम लोग दारा दाने अम्ला का दारा बहुत यूज कर सकते हैं, और हम लोग बस्ती में तो ज्यादातर यूज करते हैं। कैसे देते आप बताइए मुझे बस्ती में? मैम लेखन बस्ती का कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें। अच्छा, अवापा डाल देते है ना लास्ट में, क्या चाहिए आपको अभी गोमूत्र अवापा डाल देते है पेशेंट के हिसाब से। अभी एक बस्ती का योग बनाया निरुआ बस्ती का, उसमें
हम लोग थोड़ा उष्ण करने, ऐसे मैम बताए ना उष्ण करने के लिए और तीक्ष्ण करने के लिए दाने मिले जाते नहीं मैडम ते तत्ल काढ़ा ते चमड़े घालता तो असं वाटतं मला धान्यम्ल बस्ती भी दिया जा सकता है और धान्यम्ल आप बोलते नहीं मुझे तो एडिशन के लिए एडिशन नहीं एक्स्ट्रा उसमें हाँ कितना ml डालती हो आप 30-40 ml ओके बना लिया पूरा उसके बाद में डालना है एक्चुअली मुझे लगता है ना इसका मैम इंटरनली पीने के लिए भी देते हैं ना पेशेंट को 10-15 ml की मात्रा में दे भी सकते हैं ना पीने के लिए भी पीने के भी नहीं इस्तेमाल किए मैम बिकॉज वो थोड़ा फर्मेंटेड है ना एक एक बार पीने के लिए ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया है अच्छा बट इंडिकेटेड है ये धान्य हम लोग पीने को भी दे सकते हैं हम लोग दे सकते हैं बिकॉज देखिए पित्त और रक्था जैसे कांजी देते हैं ना सेम वे पित्त कांजी तो कई सारे व्याधियों में अनुपान के रूप में बताइए पित्त और रक्त दृष्टि में नहीं देंगे केवल बट इट कैन बी गिवन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली आल्सो एक स्टडीज में मैंने देखा था इसको 10 ml की मात्रा में उन्होंने खाना खाने के बाद दिया था 3 दिन के लिए और फिर बस्ती करो एक तो काया सेक देते हैं पिंडस वेद देते हैं इंटरनल देते हैं और फिर बस्ती के रूप में भी दे सकते हैं जैसे मैम ने भी बताया कि वहां पे चलता है बहुत ज्यादा केवल पित्त विकृति में नहीं देंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी पित्त जनित है ये तो उष्ण गुण का है तो पित्त विकृति में हम लोग नहीं देंगे इसको ये ध्यान में रखना है इसको तो ये कई बार कुछ गंडूष कवल धारण के रूप में भी यूज कर सकते हैं केरल पंचकर्म में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है सो आई थिंक धान्यम्ल के बारे में आपको एक आइडिया आ गया है कि किस प्रकार से हम लोग इसको दे सकते हैं इंटरनली भी दे सकते हैं एक्सटर्नली भी दे सकते हैं ओरल पान अनुपान विरेचन गंडूष कवल के रूप में भी नस्य के रूप में भी दे सकते हैं और बस्ती के रूप में भी दे सकते हैं तो इसको अलग अलग रूप से हम लोग अलग मैम इसका साइंटिफिक रेफरेंस भी है मेरे पास तरह संहिता सुश्रुत में सभी में शास्त्र योग में है इंटरनल मेडिसिन हाँ यस मैम शास्त्र योग में रेफरेंस है उनका सहस्त्र योग में है अष्टांग हृदय में है भाव प्रकाश में है इस सभी में है इसका रेफरेंस पान अवगाह परिषेक नाड़ी स्वेद उपनाह आलेप उद्वर्तन के रूप में गंडूष के रूप में बस्ती के रूप में और केरल में तो काया सेक पिच्छी सल ये सब में शिरोधारा के रूप में भी दे सकते हैं इंटरनल एप्लीकेशन अनुपान अनुपान तो काफी हमने यूज किया है ना मैम कास में कफज कास में पीनस में प्रतिशाया में हम लोग कांजी देते हैं ना साथ में अनुपान के रूप में शुंठी चूर्ण के साथ वैश्वान चूर्ण के साथ अग्नि दीपन के लिए जो भी हम लोग सारे यूज करते हैं ना द्रव्य उसमें हम लोग दे सकते हैं इसको वातशूल में वगैरह भी दे सकते हैं कांजी को भी मुझे एक बार आपके सामने प्रस्तुत करना था तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया आज की चलो ये इस प्रकार से कांजी का भी इसमें आ जाता है और कांजी कैसे बनाते हैं ये भी हम लोगों को पता चला यस मैम और कुछ इसमें बताइए गीता जी आपके पेशेंट्स के बारे में आपका ये हो गया एक्चुअली कांजी में गाजर या ये बनाया डाला जाता है ना ये भी फर्मेंटेड ही है कांजी भी एक उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बनाया जाता है कांजी चुकंदर से या गाजर से
और यहाँ पे बाकी शास्त्रों में तो लाइक कांजी चावल से बनती है, जैसे अभी हमने देखा कांजी लाल चावल से बनती है, सपोर्टिव थेरेपी के रूप में इसको बनाया जाता है। इसमें आप जिंजर क्यूमिन डालकर भी इसको बना सकते, बहुत अच्छा ये इम्प्रूव करेगा, कूलिंग है, एपेटाइट स्टिमुलेंट के रूप में यूज कर सकते हैं कांजी को, और अनुपान के रूप में भी है। भले ही धान्यम्ल के लिए कांजी ये ऑप्शन के रूप में आया है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज धान्यम्ल में फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा है और धान्यम्ल में बाकी के धान्यों का प्रयोग है, बट कांजी जब बनाते हैं तो कांजी में केवल चावल है, चावल का पानी यानी कांजी, जिसमें आप चुनती डालकर एक कार्बोनेटिव डाइजेस्टिव एजेंट के रूप में इस ड्रिंक को दे सकते हैं, जो ठंडा भी होता है, कूलेंट भी है कांजी। यस मैम, पूजा बताइए, डॉक्टर दीपाली तृप्ति कनवल जी, कोई केस आपका अभी फिलहाल, कुछ फॉलोअप वगैरह है? तो गीता जी, आपने उस पेशेंट में जो यूटरस का बोल रही थी ना आपकी, जिसका स्मॉल साइज यूटरस है, वही ना मैम आपने डाला था? आज स्टार्ट किया उसका हाँ, ग्रहण तो क्या बस्ती के किया लिए आज? 2 दिन के बाद। हाँ आज ना वो बला सतावरी यशो गंधा पुनः नवा वो 4 का शीर्षक दिया, रसायन टेबलेट वो गोक्षु रामला की वाला आता है ना, वो दो सुबह हाँ दो शाम को दिया। लघु ठीक है, माली नहीं, सुवर्णा माली नहीं, वो बोल रही कब, अभी एफोर्ट नहीं कर रही हूँ तो अच्छा लघु हाँ माली नहीं चालू किया। और उसका थोड़ा हेडेक गैस की वजह से वो था, तो हिमबास्टक भी दिया वापस, उस टाइम भी अच्छा दिया था, और वापस थोड़ा दीपन पाचन भी, थोड़ा गैस है तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा सब। अच्छा और ठीक खान पान में अभी मुनक्का खजूर ये सब वो बताइए, ड्राई फ्लावर। फ्रूट पाउडर हाँ बताइए उसको, नारियल का कुछ व्यंजन अगर खा सकती है तो नारियल का भी खाने को बताइए, नारियल की बर्फी या नारियल का इस्तेमाल वो करें, खजूर दूधी का का हलवा करें, उसको पसंद है तो मैंने बोला उसमें डाला करो घी, ये सब। हाँ बिल्कुल हलवा खाए हर प्रकार का, हाँ और घी दूध भरपूर खाए, चावल या ऐसे खीर वगैरह भी बनाए घर में, गहू गेहूं का फुलका, और फिर उसके साथ घी हाँ लगाकर वगैरह ऐसे थोड़ा सा वो खाए, मिष्टान्न भोजन थोड़ा करे, हाँ वो सब उसको भी। बोला दोपहर को खाना है, शाम को हल्का ही खाओ, दोपहर हाँ को या रोज सारे हफ्ते में दो खाओ, तीन दिन वो कुछ ना कुछ मधुर रस वाला व्यंजन खाने में ले उसको सब तो डेली हाँ बोला, थोड़ा डेली लेना ही है पर हाँ थोड़ा पकाया डेली हुआ कुछ भी बताइए, बाहर का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी उसका डेली मतलब पेट साफ होना, डेली रूटीन हाँ के ऊपर भी ध्यान वो हो रखिएगा, गया, वो हो कुछ गया उसका पेट साफ अध्यात्म होना। का भी करने को लगाइएगा, पूजा हाँ पाठ जो भी मंत्र बताती है मंत्र ना, जाप चालू करवाया वो, हाँ जो को भी, नॉनवेज खा रही थी ना तो उसीलिए मंत्र जाप चालू करवाया, तो वो अच्छा तो पहले बिल्कुल, बोलना पड़ेगा ना, तो पहला नहीं ओमकार वो मंत्र चैंटिंग वगैरह जाप भी कुछ, ओमकार चैंटिंग वगैरह भी कुछ अच्छा रहता है ना वो भी। बिहारी है ना तो माता रानी वाली है, तो उसको पूजा हाँ दुर्गा पूजा की मंत्र जाप चालू करवाया कि वो चालू करो हाँ रोज आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो जो बिल्कुल चालू है ना उस टाइम वो नहीं खाएगी, उसके पापा ने ऐसा बोला, ये सब हाँ पूजा होती है ना उस टाइम नहीं खाती है, तो मैंने बोला अब रोज करना है पूजा ये सब। अच्छा, ठीक। और किसी का कुछ है तो बताइए, वो मैडम नहीं आई हमारी, उनको भी बोलना था अभी, वो कैसे लेंगी पता नहीं मुझे ट्रीटमेंट, सोनम जी जो हमारी अम्बिलिकल हरने वाली पेशेंट है ना वो। नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो, उसको सभी कुछ समझा कर भी कोई देख रेख करने वाला वहां पे अगर हो ना तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है ना। मैम इस पेशेंट में चंदन बला और शीर बला भी दे सकते हैं ना अभी ऑयल के ग्रहण आपने जो बस्ती स्मॉल में? यूट्रस का बस्ती हाँ के लिए वही ना, उसमें, हाँ बस्ती के लिए हाँ दीजिए मैम दीजिए ना, शीर और बला भी बाद दे में सकते हैं। इसको हाँ हम लोगों को ना फलगुरु स्टार्ट करना है मैम, पान के लिए भी फलगुरु स्टार्ट करेंगे। वो मुझे आज तो दाढ़ी मास याद आया था पर मैंने बोला वो आपने बोला नहीं है ना, और अभी भी उसका डाइजेशन भी इतना अच्छा नहीं है तो फिर ठीक अग्नि है भी अच्छा तो नहीं है। इसीलिए थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव होने दीजिए, फिर हम लोग हाँ देंगे लेकिन फिर। दाढ़ी में ग्रुप तो याद आया था कि उसको दीपन पाचन भी हो जाए थोड़ा ग्रहण भी हो जाए। हाँ 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 एग्जैक्टली, दाढ़ी तो अच्छा ही रहेगा बिल्कुल, पर उसका अग्नि इतना अच्छा नहीं था ना तो। हाँ यस 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 बिल्कुल। डॉक्टर पूजा, अब डॉक्टर पूजा भावसार हो, ओके दीपाली जी, प्रगति जी, विनयसा जी आप भी अपने अनुभव शेयर करते रहिएगा, विनयसा जी उधर का अगर आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो शेयर करते रहिएगा। कनवल जी, हाँ कनवल जी और विनय सभी इसको
गाइड करिए हमें इसमें। कनवल जी मैम अभी एक्सपर्ट हो गया, अभी केसेस नहीं ला रही इधर वो। नहीं मैम लेके आऊंगी मैं केसेस तो। नहीं नहीं ऐसे तो मैम बहुत होते हैं ना एक्चुअली, मिलते नहीं हो अपना, मेरे को थोड़ा सा ऐसे रहता है टाइमिंग का इशू। हां यस यस कनवल जी मैम एक्सपर्ट हो गए अभी। थैंक यू मैम, नहीं आपने एक्सपर्ट कर दिया अभी, खास खास के पढ़ा पढ़ा के। काफी इंटरेस्टिंग केस आते हैं मैम आजकल, अच्छा आते हैं। वही तो इंटरेस्टिंग आपके पास आते हैं ना, क्योंकि आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको लाते जाओ करके। अगर ऐसे रहा तो जैसे हम लोग दोपहर में भी हाँ जी कभी सेशन करते हैं मैम, दोपहर को भी एक का सेशन करेंगे। अब तो मैं ठीक भी हूँ बिल्कुल, मैं जाने लगी। हाँ दोपहर के बीच में तो 3 से 5 मैं भी फ्री होती हूँ इस टाइम। हाँ तो 3 कभी कभार करेंगे ना हम, जैसे पहले करते थे ना कनवल जी दोपहर में, वैसे करेंगे फिर 4 बजे। हाँ हाँ उसमें हम पेशेंट बुला लेंगे ना, पेशेंट को कॉल थोड़ा लाइव आता है ना तो थोड़ा मजा भी आता है देखिए, तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है। पेशेंट भी मैम फॉलो अप लेता है, जैसे पेशेंट को एक बार हमने लाइव दिखा दिया ना आपको, तो पेशेंट को लगता है कि इसके वाली पेशेंट कंपल्सिव वाली पेशेंट कैसी है, कंपल्सिव ऑब्सेसिव वाली जो जो लूज मोशंस वगैरह होते थे ना उसको, तो ठीक है मैम वो तो ठीक है, अब तो उसका ट्रीटमेंट बंद हो गया ना मैम वो तो ठीक है। अच्छा एकदम ठीक है, ओके ओके। हाँ एक ठीक है, फिर मेरे एक पेशेंट कंसीव भी कर गई थी, मैंने आपको मैंने 3 पेशेंट दिखाए थे ना आपको, 3 में से 2 कंसीव कर गए थे मैम। वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छी बात है। इसलिए तो आप कभी बीच बीच में आकर फॉलो अप देते रहेंगे तो सभी को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना। 3 में से 2 कंसीव कर गए थे वो, और हाँ। अभी मेरे पास चल रहे हैं, काफी पेशेंट चल रहे हैं, देखते हैं अगर कल लाइव हो पाता तो फिर कल चलेगा चलेगा, बताइए मुझे फिर, कोई बात नहीं है ना, आप मैसेज कर दीजिएगा हम लोग ले लेंगे फिर सेशन। ठीक 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 है चलिए, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो कुछ अलग से सीखने के लिए, और अलग से हम लोग प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है बट फिर भी जैसे कुछ कभी हम लोग छोड़ देते हैं ना वही वही करते रहते, तो अलग से कुछ करने का रहा तो ये भी बेस्ट है। सो दीपाली जी आप करिएगा, दीपाली काकड़ी जी, और बताइएगा रिजल्ट। ओके हाँ मैम जरूर, थैंक यू। यस यस यस, चलिए फिर शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार, ओके कल मिलते हैं फिर।